पिछले लेक्चर्स में हमने हार्डकोर वीडियो एडिटिंग के ऊपर बात की, हमने साथ कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी देखे और मेजर सॉफ्टवेयर हमारा जो Adobe Premiere था उसके भी मैक्सिमम फीचर्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको बखूबी प्रैक्टिस किया होगा और अब आप लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी होंगे जो कि हमारा है एनिमेशन। एनिमेशन पार्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो है Adobe After Effect। Adobe After Effect बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मोशन ग्राफिक्स, जिसमें आप एनिमेशंस, जिसमें आप कंपोजिटिंग, विजुअल इफ़ेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग वगैरह जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। इसका यूजेज भी फिल्म में, ब्रॉडकास्ट में और जितनी भी आप डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जितनी भी वीडियोस एनिमेटेड देखते हैं वो भी After Effect में बनी होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हमने कुछ प्रीमियर में भी देखी थी, प्रीमियर में भी मोशन ग्राफिक्स थे, एनिमेशंस थी, किसी हद तक हमने मास्किंग के साथ कंपोजिटिंग भी की। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता चलूं। जो Adobe Premiere Pro है बेसिकली वो आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप हार्डकोर एडिटिंग करते हैं, साथ में आप उसमें एडिटिंग साउंड की भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आप इमेजेस वगैरह के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। और अपनी कोई आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई फिल्म हो, ड्रामा हो, म्यूज़िक वीडियो हो, तो वो हार्डकोर एडिटिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में ग्रेड वगैरह भी उस पर आप कर सकते हैं। अब जिस तरह ग्रेड है, कलर ग्रेडिंग लुमेट्री के थ्रू हमने की थी, बहुत सारी जगहों पे प्रीमियर पे एडिटिंग की जाती है, उसके बाद ग्रेड के लिए और कोई सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो कि डेडिकेटेड स्पेसिफिकली बना ही ग्रेडिंग के लिए हो तो वो यूज़ किया जाता है। तो अगेन मैं एक बात आपको रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एक टूल हैं, इसको ऑपरेट किस तरह करना है, इसको आपने किस तरह से प्ले अराउंड करना है चीज़ों के साथ, वो टोटली आपके अपने स्किल सेट पे डिपेंड करता है। तो Adobe After Effect में भी आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग के कंट्रोल, एडिटिंग की चीज़ें इस पर वैसी नहीं है जैसे आपको प्रीमियर पे मिलेंगी। उसके अलावा आप इसमें टेक्स्ट की एनिमेशन, डिफरेंस टाइपोग्राफी एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स, कोई ऐसे एलिमेंट्स, कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। और साथ साथ कोई ग्रीन स्क्रीन का कंट्रोल इसमें बहुत बेहतर है, आप उसमें से बेहतर मास्किंग के तरीके से या फिर और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके आप इसको ग्रीन स्क्रीन बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। और इसके अलावा मेजरली आप इस पर कंपोजिटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन ग्राफिक्स की। तो मोशन ग्राफिक्स क्या है? मोशन ग्राफिक्स बेसिकली नाम से ही पता लगता है कि ग्राफिक्स इन मोशन, मतलब इससे सिंपल डेफिनेशन इसकी हो नहीं सकती। इसको मोशन डिज़ाइन का नाम भी दिया जा सकता है। आप देख लें आपके पास जो डिज़ाइन हो, बेशक वो कहीं भी डिज़ाइन हुआ हो, अगर उसको आपने एनिमेट किया है, मोशन दी है, तो वो आपका मोशन ग्राफिक्स कहलाएगा। अक्सर आपकी स्टोरीज पे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप देखते हैं कोई डिज़ाइन इस तरह का बना हुआ है और उसमें कोई चीज़ पहले अपेयर, कोई बाद में अपेयर, कोई फेड इन हो रही है, कोई मूव हो रही है, कोई वाइप हो रही है, तो वो सारे मोशन ग्राफिक्स की कैटेगरी में आएंगे। हमने बात की एनिमेशंस की, तो मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन का भी बताता चलूँ। एनिमेशन भी बेसिकली एक मूवमेंट ही है, मतलब इसमें आप इस तरह समझ लें कि मैनिपुलेट किया जाता है आपके इमेजेस को या आपके जो भी एलिमेंट हो, कोई टेक्स्ट हो, कि आपको वो मूविंग इमेजेस लगें। आप समझ लें कि एनिमेशन जो है एक स्टैटिक, एक स्टिल ऑब्जेक्ट को एक लाइफ देती है और आपको वो चीज़ें मैनिपुलेट होकर नज़र आती है इस तरीके से कि आपको वो लगती है इसमें वो मूवमेंट है। एनिमेशन बहुत टाइप्स की होती हैं। कन्वेंशनल पहले बात करें तो ड्रॉ भी की जाती थी, उनकी तस्वीरें ली जाती थी, स्टॉप मोशन के नाम से भी आपने सुना होगा, तस्वीरें खींच खींच के किसी भी चीज़ की, क्लेमेशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो अभी आजकल की मॉडर्न एनिमेशन है वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर पे की जाती है, इवन के कार्टून की एनिमेशन हो, ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन हो, वो आप इसमें अपने सॉफ्टवेयर में, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। एनिमेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपका टेक्स्ट ही मूव हो या एलिमेंट ही मूव हो। After Effect में आप मेजरली एनिमेशन किसी इफेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी लेयर पे अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेटली आप जहाँ भी चाहें उसको मूव करने के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट पे अप्लाई करने से मेरा मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एनिमेशन अप्लाई करनी चाहिए ओपेसिटी के ऊपर, तो आपने एक की फ्रेम ऐड किया और एनिमेशन में जिस तरह हम प्रीमियर में सारा देख चुके हैं, इफेक्ट कंट्रोल विंडो में हमने की फ्रेम्स ऐड किए थे, फिर हमने आगे की फ्रेम ऐड करके वैल्यूज़ चेंज की थी, तो वो सारा एनिमेशन का प्रोसेस था। तो ओपेसिटी में अगर आपने एक जगह की फ्रेम अप्लाई किया और उसकी ओपेसिटी आपने ज़ीरो कर दी और नेक्स्ट की फ्रेम पे आपने उसकी वैल्यू 100 कर दी, तो आप देख सकते हैं कि वो ज़ीरो से 100 पे ट्रेवल करेगी आपकी ओपेसिटी, एनिमेट होगी और वो वैल्यू आपको ऐसे लगेगा, आपको आप कह लें कि नज़र इस तरह का कि वो फेड इन हुआ है,
तो बेसिकली बैक एंड पे जो प्रोसेस था वो आपने इन दो वैल्यूज को आपस में एनिमेट कर दिया। हमने बात की VFX की भी, तो VFX बेसिकली विजुअल इफेक्ट्स। इसमें आप समझ लें कि एक ऐसी इमेजरी क्रिएट की जाती है, आपने अक्सर CGI का भी नाम सुना होगा, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो ऐसी इमेजरी क्रिएट की जाती है जो एक्चुअल लाइफ में या रिकॉर्डिंग में प्रोडक्शन में नहीं होती, और आप बाद में उसको पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड करते हैं। अक्सर आपने स्पेशल इफेक्ट का नाम भी सुना होगा। स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं VFX से, और उनमें डिफरेंस ये है कि स्पेशल इफेक्ट्स बेसिकली आपका ऑन लोकेशन ऑन प्रोडक्शन बेसिकली बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट, और वो बाज़ दफ़ा असल में भी उस ब्लास्ट को स्टेज किया जाता है, वो स्मोक प्रॉपर होगा, मे बी बाद में VFX के थ्रू इन्हेंस कर दिया जाए, या फिर आग लगी हुई है वो एक्चुअल आग हो, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड सेफ इन्वायरमेंट में किया जाता है। अक्सर गन का जो गन लगती है, गोली अगर लगती है तो उसका भी जो कोई स्पॉट है कोई चीज़ है, तो वो भी स्पेशल इफेक्ट में आता है। VFX इससे थोड़ा डिफरेंट है, आपको एक्चुअल वीडियो के साथ अपने वो एलिमेंट मिक्स करने होते हैं जो कि असल में पॉसिबल नहीं है। CGI की टर्म आपने अक्सर सुनी हो, तो वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होती है। मिसाल के तौर पे प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी, अब उसमें जो एप्स थे वो असल तो नहीं थे, वो CGI के थ्रू बनाए गए और असल वीडियो के साथ उनको मिक्स किया गया। और इसी तरह से आपने एवेटार देखी होगी, उसमें भी जो कैरेक्टर्स थे वो भी VFX के थ्रू बनाए गए। ग्रीन स्क्रीन की हम बात कर चुके हैं, हमने ग्रीन स्क्रीन को की भी करके देखा था, हमने ग्रीन स्क्रीन की जगह डिफरेंट बैकग्राउंड लगा के देखा था। तो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है इस तरह के VFX के एलिमेंट में, और ग्रीन स्क्रीन को की करने के बाद आप उसको कंपोजिट करते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो के साथ, या फिर ऐसी CGI वीडियो के साथ जो कि आपने अलग क्रिएट की हो। कंपोजिट का मैंने जिक्र किया, तो लाजमी है कि मैं आपको कंपोजिटिंग के बारे में भी बताऊं। तो कंपोजिटिंग बेसिकली क्या है, आप दो डिफरेंट वीडियोस को जो अलग अलग जगहों पर शूट हुई है, अलग अलग टाइम एंड स्पेस में शूट हुई है, आप उनको मिक्स कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसमें वीडियो भी हो सकती हैं, इसमें कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई 3D जनरेटेड कोई चीज़ें बनी हो सकती हैं। तो आप उनको जब मिक्स करते हैं आपस में कि वो एक हिस्सा लगे वीडियो का, तो वो बेसिकली आपका प्रोसेस कंपोजिटिंग कहलाता है। इसकी मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स हैं, मतलब 100% वो असल तो हो नहीं सकते, और जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसमें कास्ट है, जिस तरह से वो एक्ट कर रही है, जिस तरह से वो सारी फिल्म हो रही है, वो सब कुछ असल है। लेकिन अगर आप जिस सीन में देखते हैं कि एक बंदे के सामने डायनासोर आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली दो चीज़ों को कंपोजिट किया गया, डायनासोर अलग से बनाए गए और उसको कंपोजिट किया गया आपकी एक्चुअल वीडियो के साथ, और उसमें सारा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्रिएशन से लेके कलर ग्रेडिंग, कंपोजिटिंग, ग्रीन स्क्रीन वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। आफ्टर इफेक्ट को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। प्रीमियर से ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपकी बेसिक्स प्रीमियर पे अच्छी होंगी, आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होंगी, तो मुझे यकीन है कि आपको आफ्टर इफेक्ट भी बेहतर तरीके से आ जाएगा।